अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं परवेज़ आपका मेज़बान और आप देख रहे हैं अलजवे स्टूडियो फ़न। तो दोस्तों, आज हम आए हैं अपने अज़ीज़ लियाकत भाई की छत पर। तो इन्होंने बड़े शौक़ के साथ जो है ना कुछ कबूतर पाले हुए हैं, कुछ नायाब कबूतर हैं। तो आज हम इनसे गपशप भी करेंगे और इनके कबूतर भी देखेंगे। दोस्तों, कबूतर किसी के पास होना, अच्छा होना बड़ी बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है उनको मेंटेन करना, ये बहुत बड़ा फ़न होता है। तो ये हमारे जो भाई हैं, लियाकत भाई हैं, तो इन्होंने जो है ना बहुत अच्छे तरीके से इनको रखा हुआ है और मेंटेन बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इनकी काफ़ी अरसे से इन्होंने शौक़ रखा हुआ है। तो हम इनसे गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है लियाकत भाई? ठीक है, दुआ कर रहे हैं। आज हम आए हैं आपके पास आपके कबूतर देखने के लिए। तो ये बताएंगे लियाकत भाई, कितने अरसे से आप ये कर रहे हैं? मुझे 50 साल हो गए हैं कबूतर रखे हुए। अच्छा जी, माशाल्लाह जी। देखें जी, इनको 50 साल हो गए हैं कबूतर पाले हुए, नायाब हैं। कौन कौन से रखे हुए हैं जी? ये बटेरे हैं, पैंसठ वाले हैं, फुलादी हैं, वैशी हैं। अच्छा जी, बहुत आला क्वालिटी के कबूतर रखे हुए। अच्छा, ये जो लियाकत भाई आप बता रहे हैं कबूतर, जो नस्लें आपने बताई हैं, ये उड़ने वाले हैं या किस तरह से? ये उड़ने वाले हैं ये। अच्छा, प्रवास करने वाले हैं, आठ आठ दस दस घंटे, बारह बारह घंटे ऊपर रहते हैं ये। तो ये शौक़ कैसे पड़ा है बचपन में आपको? बचपन में मैं अलीपुर रहा करता था वालदा के साथ, खाला के बेटे ने रखे हुए थे। अच्छा। बहुत छोटा सा था मैं, 6-7 साल का जी। बस मैं उसकी छत पे जाया करता था, वहाँ से शौक़ मुझे पड़ा है। माशाल्लाह जी, ये बचपन से ही शौक़ रखा हुआ है इन्होंने। तो लियाकत भाई, ये बताएंगे कि इनमें से ये काफ़ी अरसे पुराना, इनमें से आपके पास कौन सा है, कौन सी नस्ल का है, यानी बहुत जो है ना पुराना? पुराने कबूतर हैं, टेडी हैं, 5 साल के हैं, 10 साल के हैं, 8 साल के। अच्छा। बहुत पुराने कबूतर हैं। अच्छा। जी, आज के नहीं है, ये 5-5, 6-6 साल हो गए इनको मेरे पास। दाना पानी इनको डालता हूँ मैं, शौक़ है मेरा, अब मेरे से शौक़ नहीं होता। अच्छा, तो अच्छा, अगर कोई दोस्त आपके ये कबूतर ख़रीदना चाहे या कोई जोड़ा लेना चाहे, तो आप सेल भी कर देते हैं? सेल भी कर देते हैं। ठीक है। हाँ जी, जो जैसे लेगा वैसे दे देंगे उसको। अब शौक़ नहीं होता, बूढ़े हो गए हैं, नौकरी करें, इनको कबूतरों को पालें, अब नहीं होता शौक। बिल्कुल जी, ये टाइम मांगते हैं इनको, इनके लिए टाइम देना ज़रूरी है। दोस्तों, ये आपको हम मज़ीद जो है ना ये कबूतर आपको दिखाते हैं। अगर आप लेना चाहें, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, स्क्रीन पे नंबर आ रहा होगा, तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। तो इंतहाई मुनासिब रेट में ये आपको सेल भी कर देंगे। तो मज़ीद आप हमें दिखाएं अपने जो नायाब कबूतर हैं ना, वो आप मज़ीद दिखाएं हमें। बहुत नायाब कबूतर हैं ये, 8 घंटे 10 घंटे ये प्रवास करते हैं, बच्चे भी इनके बहुत उड़ते हैं। हाँ जी, बताएं जी, ये कौन से? नीले, नीले बोलते हैं इनको। अच्छा, ठीक है, नीले। ये बताएं क्या? ये कबूतर बज रही है झिलमिले। अच्छा, ये भी बहुत नायाब है।
ये 5000 का जोड़ा है, इनको बोलते हैं वैशी। अच्छा, ये कौन से वाले के बच्चे हैं इनका बताएं जरा? ये टेडियों के बच्चे हैं। ये कितने दिनों के हैं? ये इनको हो गया कम से कम, ज़्यादा नहीं, महीना महीना डेढ़ महीना हो गया।